नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं छोटी बूटी का एक बेहद खूबसूरत डिजाइन लाए हूँ। तो ये डिजाइन रॉन्ग साइड से शुरू होता है, तो पहली लाइन में हम सभी फंदे सीधे बुन लेंगे। यदि हमें फंदे बढ़ाने हो तो हम इस लाइन में फंदे बढ़ा सकते हैं। इसे बनाने के लिए हमें इवन नंबर में फंदे चाहिए, तो मैंने 12 फंदे डाल लिए हैं। ये हमारा रॉन्ग साइड है और डिजाइन का पहला लाइन। तो पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे, अगला फंदा हम सीधा बुनेंगे, ऊन अपनी तरफ, नेक्स्ट फंदा स्लिप करेंगे, अगला फंदा सीधा, ऊन अपनी तरफ, नेक्स्ट फंदा स्लिप करेंगे, अगला फंदा सीधा। तो एक फंदा स्लिप करते हुए और एक फंदा सीधा बुनते हुए हम सभी फंदे बुन लेंगे। ये डिजाइन का दूसरा लाइन है और सामने से। तो पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे, अगला फंदा स्लिप किया हुआ है इसे हम सीधा बुन लेंगे। अब देखिए अगला फंदा ये उल्टा है, तो हम इस फंदे के नीचे हम सिलाई डालेंगे। देखिए ये उल्टा फंदा है, इसके हम नीचे सिलाई डालेंगे, एक सीधा फंदा बना लेंगे, थोड़ा ढीला रखेंगे, फिर ऊन को अपनी ओर करेंगे और फिर इसी जगह से एक और सीधा फंदा बना लेंगे। तो हमने देखिए तीन फंदे बना लिए। अब ऊन अपनी ओर करेंगे, इस फंदे को हम उल्टा बुन लेंगे, ऊन दूसरी ओर करेंगे। अब जो हमने तीन फंदे एक्स्ट्रा बनाए थे उन्हें उठाएंगे और इस फंदे के ऊपर से ऐसे गिरा देंगे। अगला फंदा देखिए स्लिप किया हुआ फंदा है, इसे हम सीधा बुन लेंगे। नेक्स्ट फंदा उल्टा है, तो इस उल्टे फंदे के नीचे हम सिलाई डालेंगे, एक सीधा फंदा बना लेंगे, इसे थोड़ा ढीला रखेंगे, ऊन को अपनी तरफ करेंगे और फिर इसी जगह से एक और सीधा फंदा बना लेंगे। अब ऊन को अपनी ओर करेंगे और इस फंदे को हम उल्टा बुन लेंगे, उन दूसरी तरफ। अब जो तीन फंदे हमने बनाए थे नीचे से, उसे उठाएंगे और इस फंदे के ऊपर से ऐसे गिरा देंगे। अगला फंदा हमने स्लिप किया था, इसे हम सीधा बुन लेंगे। तो इन्हीं दोनों फंदों को हमें पूरी सिलाई में दोहराना है। उल्टे वाले फंदे के नीचे से तीन फंदे बनाने हैं, सीधा ऊन अपनी ओर किया, फिर इसी जगह से एक बार और सीधा। तो ये हमने तीन फंदे बना लिए। अब ऊन अपनी ओर करेंगे, इस फंदे को हम उल्टा बुन लेंगे, ऊन दूसरी ओर। अब बनाए हुए तीन फंदे जो हैं इसे उठाएंगे और फंदे के ऊपर से ऐसे गिरा देंगे। अगला फंदा देखिए ये स्लिप किया हुआ फंदा है, इसे हम सीधा बुन लेंगे। तो इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट फंदा सीधा। अब हम अपना दूसरा कलर अटैच करेंगे। तो हमने अपना दूसरा कलर अटैच कर लिया। पहले फंदे को हम उल्टा बुन लेंगे। अब देखिए दूसरे फंदे में हमने डिजाइन बनाया था, तो इसे हम स्लिप कर लेंगे, उन दूसरी ओर करेंगे और ये स्लिप किया हुआ फंदा था, इसे हम सीधा बुन लेंगे, उन अपनी ओर। ये देखिए डिजाइन वाला फंदा है, इसे हम स्लिप कर लेंगे, अगले फंदे को सीधा बुनेंगे, उन अपनी ओर, डिजाइन वाला फंदा स्लिप करेंगे, उन दूसरी ओर, अगला फंदा सीधा, उन अपनी ओर, डिजाइन वाला फंदा स्लिप करेंगे, उन दूसरी ओर, अगला फंदा सीधा। तो इसी तरह करते हुए हम पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। लास्ट फंदा या जिस स्टिच है इसे हम उल्टा बुन लेंगे। अब ये हमारा चौथा लाइन है। तो पहला फंदा स्लिप कर लेंगे। अब देखिए ये अगला फंदा उल्टा है, तो उल्टे फंदे के नीचे हम सिलाई डालेंगे, एक सीधा फंदा बनाएंगे, फिर ऊन अपनी ओर, फिर इसी जगह से एक और सीधा फंदा बनाएंगे, ऊन अपनी ओर। अब इस फंदे को हम उल्टा बुन लेंगे,
उन दूसरी ओर बनाए हुए तीनों फंदों को उठाएंगे और इस फंदे के ऊपर से ऐसे गिरा देंगे। अगला फंदा ये देखिए, स्लिप किया हुआ फंदा है, इसे हम सीधा बुन लेंगे। फिर देखिए अगला फंदा उल्टा है, तो उल्टे फंदे के नीचे हम सिलाई डालेंगे, एक सीधा फंदा बनाएंगे, उनको अपनी ओर करेंगे, फिर इसी जगह से एक और सीधा फंदा, अब उनको अपनी ओर करेंगे और फंदे को उल्टा बुन लेंगे उन दूसरी ओर। और ये तीन फंदे जो हमने उल्टे फंदे के नीचे से बनाए थे, इसे उठाएंगे और इस फंदे के ऊपर से ऐसे गिरा देंगे। अगला फंदा स्लिप किया हुआ फंदा था, इसे हम सीधा बुन लेंगे। तो इन्हीं दोनों फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है। और लास्ट फंदा एज स्टिच है, इसे हम सीधा बुनेंगे। देखिए हमारा डिजाइन थोड़ा थोड़ा स्पष्ट होना शुरू हो गया है। अब फिर हम अपने पहले कलर के ऊन से एक फंदा उल्टा, अब देखिए अगला फंदा सीधा, नेक्स्ट फंदा ये डिजाइन वाला फंदा है, तो इसे हम स्लिप करेंगे ऊन दूसरी ओर, अगला फंदा सीधा, उन अपनी ओर, डिजाइन वाला फंदा है, इसे स्लिप करेंगे उन दूसरी ओर, अगला फंदा सीधा। तो हमेशा हम जिस फंदे पे हमने डिजाइन बनाया है उसे स्लिप करेंगे और दूसरे वाले फंदे को सीधा बनाएंगे। उन अपनी ओर, डिजाइन वाला फंदा है, इसे स्लिप करेंगे और लास्ट फंदा है जिस स्टिच है इसे उल्टा बुन लेंगे। अब पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, अगला फंदा देखिए ये स्लिप किया हुआ फंदा है, इसे सीधा बुनेंगे। और यहाँ पे देखिए उल्टा फंदा है, तो इसमें डिजाइन बनेगा, एक लाइन नीचे आएंगे, एक सीधा फंदा बनाएंगे उन अपनी ओर, फिर एक लाइन नीचे, एक सीधा फंदा, फिर फंदे को उल्टा बुन लेंगे। डिजाइन वाला फंदा, इसे हम सीधा बुन लेंगे। तो दो ही फंदे का डिजाइन है और दो ही लाइन का डिजाइन है। अगले लाइन में हम जिस फंदे पे डिजाइन हमने नहीं बनाया है उस फंदे पे हमें डिजाइन बनाना है। डिजाइन बेहद आसान है और बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत। तो देखिए फ्रेंड, दो ही फंदे का और दो ही लाइन का ये डिजाइन है। अगली एक बार एक फंदे पे डिजाइन बन रहा है और अगली लाइन में दूसरे फंदे पे, तो डिजाइन बेहद खूबसूरत है और बनाने में आसान। सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा। तो फ्रेंड्स, डिजाइन आपके सामने है, आशा है आपको पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा डिजाइन अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।